बाजार से मिले हुए धृत कुमारी के रसों में बहुत प्रिजर्वेटिव हैं जो हमारे सेहत को थोड़ा नुकसान देते हैं। घर में यदि हम मिक्सी में पीसते हैं तो उसके फाइबर्स टूट जाते हैं और वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना उसे होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम DIY। उम्मीद है ईश्वर की आप पे अनुकंपा होगी और आपसे परिवार सकुशल होंगे। और यदि आप सिर्फ धृत कुमारी का जो पल्प है उसे स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी पोली बैग में उसे डालिए। अगर आप 15 दिन के लिए काम में लेना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें, और 15 दिन से ज़्यादा यानी साल भर या 6 महीने काम में लेना चाहते हैं तो छोटे छोटे बैच बना के फ्रीजर में रख दीजिए। यदि आप फ्रीजर में रख रहे हैं तो इसकी हवा प्रेस करके ज़रूर निकाल दीजिएगा। और अब आप किसी चौड़े मुँह के बर्तन में इसे निकाल लीजिए, जिसको हम आसानी से जो है नुकीली चम्मच की सहायता से काट सकें धृत कुमारी को। धीरे धीरे करके आप इसे पुश करके काटते रहिए। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह जब आप काटते हैं तो इसके रेशे कम टूटते हैं और जो इसका गाढ़ापन होता है वो आपस में मिक्स रहता है। चाकू से आप काटते हैं तो अलग अलग पीसेस में हो जाता है, और मिक्सर के अंदर जब पीसते हैं तब तो इसके जो फाइबर हैं वो पूरे ही नष्ट हो जाते हैं और ये पूरी तरह पानी में बदल जाता है। पर जब इस तरह से तैयार करते हैं तो ये गाढ़ा बनता है और इसके जो चंक्स हैं यानी छोटे टुकड़े रस के अंदर रहते हैं, जिसे आप पीते समय चबाएंगे तो ये बेहद अच्छे लगते हैं। और अब आ रही है किसी तांबे पीतल की जो हमारा इमामदस्ता होता है उसकी छोटी मूसली होती है उसे इसे कूटने की। जब आप इस तरह से करते हैं तो ये पूर्ण तरीके से आयुर्वेदिक प्रक्रिया से बनाया हुआ रस है जो बेहद लाभदायक होता है, और इसमें हमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव नहीं डालने पड़ते हैं। बीच बीच में आपको इसे चम्मच से फिर काटना पड़ेगा, जब तक आप अपने इच्छा अनुसार छोटे टुकड़े और उनसे लपटा हुआ इसका एलोवेरा का जो रस है वो तैयार नहीं कर लेते हैं। ये जो रस है ये बहुत ही शुद्ध बनता है, तो ये बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सबके लिए लाभदायक है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अल्सर में धृत कुमारी का रस नहीं पीना चाहिए। अगर आप उसका पॉइजन ढंग से नहीं निकाल पाते हैं या बाज़ार से लेते हैं तो आप बिल्कुल मत पीजिएगा, लेकिन अगर आप शुद्ध तरीके से बनाते हैं जैसा इस समय मेरे साथ आप वीडियो में देख रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इसे पी सकते हैं। और बीच बीच में अगर यदि बहुत छोटे हरे छिलके नज़र आपको आ जाएं तो उन्हें चम्मच की मदद से आप निकाल दीजिए। उन्हें आप प्रयास करके रस में ना रहने दें। वैसे जब पॉइजन निकाल लिया जाता है तो वो बहुत छोटे जो हरे टुकड़े होते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं। और अब धृत कुमारी का जो रस है बनके तैयार है। देखिए, इसमें आपको लिक्विड भी नज़र आ रहा है और चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, और यही खासियत है आयुर्वेदिक तरीके से धृत कुमारी का रस बनाने की। ये गाढ़ा भी बनता है और डाइजेशन में भी बहुत आसान है, और जब आप इसे पीते हैं तो इसके जो छोटे टुकड़े हैं वो चबाते समय बहुत फ़ायदा करते हैं। अब आप जब इसे फ्रिज में स्टोर करें तो इस तरह जितना आपको रोज़ लेना है इतना सफिशिएंट होता है, जितना भी आपने मेरे साथ वीडियो में देखा, उसको छोटे छोटे ग्लासेस में या छोटे छोटे जो आपके पास बर्तन है उनमें डालिए और ऊपर से हल्का पॉलीथीन लगा के रबड़ बैंड लगा दीजिए और फ्रिज में स्टोर कर दें। यानी आप रोज़ एक अपना जो है ड्रिंक निकालें उसे पी लें तो जो बाकी ड्रिंक्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं होंगी और लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहती हैं। आप जो बचा हुआ धृत कुमारी का रस है चाहे तो उसे कांच की बोतल में निकाल दें या फिर आप किसी उसे जिप लॉक के अंदर निकाल दें और उसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा इसे स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे फ्रीजर में पॉली बैग के अंदर डाल के और स्टोर करना चाहिए, और छोटे छोटे बैच बनाने चाहिए ताकि जब आप निकाल के उसमें से धृत कुमारी के रस को टुकड़े करके अपने ड्रिंक में डालें तो बाकी का आपका ख़राब ना हो। फ्रीजर में आप ग्लास की बोतल मत रखिएगा, नहीं तो क्रैक हो जाएगी, तो आपको इस तरह से पॉली बैग रखना होगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉली बैग आप लें ये जो है फूड सेफ मटेरियल से बना हुआ हो। थैंक्स चैनल विजिट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, सुंदर लगेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।